अस्सलाम वालेकुम। ये वही डेटा है, इस पर हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। इसी डेटा से हम लोग रिग्रेशन लाइन मालूम करने जाएंगे, लेकिन रिग्रेशन लाइन मालूम करने से पहले हम उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ये एक्स का कॉलम है, एक्स का कॉलम 1 2 2 1 3 4 3 1, और दूसरा मार्क्स जो है ना वो वाई का कॉलम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक्स और वाई के कॉलम तो गिवेन है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराना है, कॉलम बनाना है, और एक्स का स्क्वायर लेना है, दूसरा कॉलम बनाना है। ये कॉलम हम लोगों ने इस तरह जेनरेट कर लिया। नीचे हम लोगों ने यहाँ पर बी का फार्मूला इस्तेमाल किया है, बी का एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देख सकते हैं हम लोगों के पास सिग्मा एक्स 17 आया है, सिग्मा वाई 497, सिग्मा एक्स वाई 1028, सिग्मा एक्स स्क्वायर 45। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट करा दी यहाँ पर, देख सकते हैं। जब पुट की तो हमारे पास बी की वैल्यू 17.11 आई। इसी तरह ए को मालूम करने के लिए हम लोगों ने वाई बार माइनस बी एक्स बार का फार्मूला यूज़ किया। वाई बार का मतलब है सिग्मा वाई अपॉन एन, और एक्स बार का मतलब है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ हम पर पुट की, एन 8 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू 25.76 आ गई। अब यहाँ पर आते हैं वाई, ये कैप जो लगाई है एस्टिमेटेड को शो करता है ए प्लस बी एक्स। तो ए की जगह जो ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 25.76, वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी, और बी की जगह 17.11 जो वैल्यू आई थी वो हम लोगों ने बी की जगह पुट कर दी। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये हमारे अगर इस ये हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन है, अगर एक घंटा कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसके कितने मार्क्स आने चाहिए। इस हिसाब से वाई कैप 25.76 प्लस 17.1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक घंटा पढ़ रहा है। 25.76 प्लस 17.11, इनको ऐड कर देंगे, 1 और 1 6 7, 1 और 7 8.7 और 5 12, 2 आ गया, 1 4 42 मार्क्स उसके आने चाहिए एक घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट के। और तो 2 करेंगे 17.11 को 2 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे। इसी तरह हम लोग मार्क्स एस्टिमेट कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा और क्वेश्चन दूंगा। जज़ाकअल्लाह।